पंजाबी न्यूज़ ऑनलाइन देखते दे सारे दर्शकों को प्यार सत्कार सत श्री अकाल सज्जनों। पंजाब दे विच इलैक्शन का दौर सरगर्मी दे नाल अगे वधदा नज़र आ रहा है ते पंजाब दे विच बहुत थावां दे उत्ते चोण सरगर्मियां विढ़ियां जा चुकियां ने। सियासी आगू आपो अपना काम करन लगे ने। इस वक्त सब तो अहम सीट जिहड़ी पंजाब दे विच श्री खडूर साहब की सीट है और उस सीट का बकारी सीट मन्निया जाना उहदे पिछे इक वड्डी गल है कि बीबी परमजीत कौर खालड़ा होरिया जिहड़े ओह उत्थे PDA दे वल्लों उम्मीदवार ने। बीबी खालड़ा नूं विदेश के हमायत मिल रही है, देश के हमायत मिल रही है। टकसालिया ने अपना उम्मीदवार उन्होंने हक के बिठा दिता जनरल JJ सिंह जिहड़े मैदान दे विच सी। हुण उत्थे टक्कर है की है उतों की स्थिति जानने के वास्ते सीनियर जर्नलिस्ट संतोख गिल जी का साथ लै रहे हैं। वो एनालिसिस करते हैं, जानते हैं कि की कहिंदे ने वो इस हल्के के बारे बीबी खालड़ा होरां दी मेहमान बारे। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। जिवें हुण पंजाब दे विच इलैक्शन असीं गल करके हटे हां उस बारे, खडूर साहब PDA के वास्ते एक प्लस पॉइंट असं कह सकते कि उन्होंने कोल इहो जिहा उम्मीदवार है जिहदे नाल हमायत जी जुड़ती नज़र आ रही है, तो बीबी खालड़ा होर की जिहड़ी चोण मुहिम है तुसीं किवें देखदे हो? क्योंकि आपां एक दिन पहलां गल कीती, तुसीं दस्सिया सी कि एक बार पहलां भी मैदान दे विच आ चुके ने, उह हार चुके जी। सिद्धू साहब, यह भावें उहदा नाम हुण खडूर साहब है लेकिन जे कहा जाए तो पुरानी तरन तारण सीट है जी, तो यह सीट सदा ही पंथक मनी गई है। जथेदार मोहन सिंह तौड़ होना तो लैके उन्होंने पुत्र त्रिलोचन सिंह तौड़ तो जेडे हुण टकसाली आगू ने ये भी इतों चोणा जित चुके ने। तो हो सकता मैनू याद ना हो इतों कांग्रेस ने भी शायद कभी बारी जीती है सीट यह, पर ज़्यादा समा यह अकाली दल के हाथ च रही है ज़्यादा सीट है जी। तो 1999 सिमरजीत सिंह मान जेल के चोण जदों लड़े सी तो उदों वो इसे तरन तारण हल्के तो जिन्होंने अज खडूर साहब कहा जाता इतों लड़े सी जी। तो उन्होंने राम विलास पासवान का रिकॉर्ड तोड़िया सी 4 लाख वोटों नाल जितने का, वो 4.25 लाख नाल जितते। अज उस तरह एक बकारी सीट बन चुकी है क्योंकि बीबी खालड़ा परमजीत कौर खालड़ा सर जसवंत सिंह खालड़ा जी की पत्नी है जिन्होंने पंजाब दे विच जिहड़ियां बेपछाण लाशां दे संस्कार पुलिस वल्लों किए गए सी उन्हां नूं लभण तुरे सी ते खुद लाश बन गए सी, उन्हां दी पत्नी है जी। ते अज उन्हां दी मुहिम की जे गल करिए, मुहिम उन्हां दी इस वेले सब तो उपर उन्हां दी मुहिम चल रही है, कोई शक नहीं है। पर जे आपां कहीए भी बीबी खालड़ा पहली बार चोण लड़ रहे हैं ये भी ठीक नहीं है क्योंकि 1999 उन्होंने चोण लड़ी सी जदों जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा जी ते बादल साहब की आपस में ताई पै गई तो टौड़ा साहब नूं पार्टी तो बाहर कर दिता तो उदों उन्होंने सरबहिंद अकाली दल बनाया से ते बीबी खालड़ा नूं उन्होंने टिकट दे के सरबहिंद अकाली दल की टिकट के उत्ते चोण लड़ाई सी। तो उदों बीबी जी नू तकरीबन 37,985 वोटां पईआं सी ते उह तीजे नंबर ते आए सी। तो उस बारे सीट जिहड़ी जीती सी श्रोमणी अकाली दल दे त्रिलोचन सिंह तौड़ क्योंकि उन्होंने पिता जी उत्थों चोण लड़ रहे ने उह वड्डे मार्जन नाल जीते सी, 52% वोटां उन्हां नू टोटल पईआं सी। सो इस करके इहनू जे अज बीबी खालड़ा नवीं उम्मीदवार नहीं है, चोण लैण दा तजर्बा उन्हां कोल पहलां भी हैगा लेकिन जो आप हुण देखांगे तां अज उह PDA दे उम्मीदवार ने सही। तो PDA दे उम्मीदवार भी उन्होंने ना कहना बल्कि वह सुखपाल सिंह खहरा की जिहड़ी पार्टी आ जी असल च उहदे उम्मीदवार ने, डेमोक्रेटिक अलायंस तां उन्होंने बाद च बनाया पंजाब डेमोक्रेटिक उहदे च गांधी जी भी ने होर भी ने, तो लेकिन सब तो अहम सीट PDA लई उही मन्नी जांदी आ जी। तो जे अज आप देखिए तां बीबी खालड़ा के मुकाबले हजे कोई नज़र आता नहीं, भावें अकाली दल कांग्रेस ने भी डिंपा जसवीर सिंह डिंपा उन्होंने मैदान च उतारिया तो वह भी अपने आपू बड़े खिलाड़ी समझते हैं तो ट्रांसपोर्ट के चंगा ना थे भी है वा, बल्कि मैं तो यह कहाँ भी ना थे तो कहना वा वो ट्रांसपोर्ट के माफिया के तौर पर जाने जाते उस इलाके जी। सो दबदबा उन्हों का है तो उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह की छत्रछाया भी पूरी है जी। एक पासे गिल साहब असीं जदों देखते हैं कि जसवीर डिंपा, दूसरे पासे उत्थे मैदान दे विच श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों, वैसे तो समुचे पंजाब च बहुते दागी चेहरे इन्होंने मैदान च लैंदे, पता नहीं तां भाल भाल के लैंदे, पता नहीं नसीब ही इहो जिहा कि उह कहिंदे ना कि नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पैंसल नाल, इह तां कच्ची नाल नहीं लिखे, पत्थर दे उत्ते झरीटां पईआं होईआं ने, कुछ क नाम है जिहड़े दागदार हैगे ने। ते बीबी जगीर कौर उहनां दागदार नामां दे विच्चों इक है,
वह भी मैदान के सुखपाल सिंह खहरा होर के ये उम्मीदवार ने उधरों जो आम आदमी पार्टी की गल कर लीए उन्हों का मिस्टर सिद्धू है जो मैदान के हालांकि वो गिनती के लगता फिर की होगा बिल्कुल वो गिनती तो बाहर ने बीबी जगीर कौर असल च जिस तरह तुम गल की दागदार दामन की असल च अकाली दल की टिकट लैन में कोई तैयार नहीं सी ते ओ गल ठीक है भगवंत मान की भी ये तो सड़ते फिरते टिकटा तो वह फिर एक परमिंदर ढींसे ने बोच ली तो बीबी जगीर कौर को भी हुक्म ही होया भी तू चोण इतों लड़नी है हालांकि वह तो सूबे की सियासत ही सरगर्म रहना लोचते हैं केंद्र की सियासत जाना उन्हों का कोई मंशा नहीं है पर फिर भी वह हूँ जो एम पी की चोण लड़ाने उन्होंने कहा तो वह खड़े हो गए हैं क्योंकि पार्टी के वफादार सिपाही ने वो तो उन्होंने इस करके चोण लड़नी है पर जे आप कही पिंडा के उन्होंने हंगारा नहीं मिल रहा वो सारे पंजाब ही मैं तो पहले लगता शायद ये नौबत कल मालवे आऊगी पर जो हूँ सारे पंजाब का नक्शा क्लीयर हों जा रहा तो समझ आती है भी ये कल मालवे नहीं ये दुआबे भी यही हाल अटवाल साहब के उधर माझे च भी तो हूँ आप केंद्रित रहिए खडूर साहब के उत्ते खडूर साहब सीट के उत्ते अज की तरीक जो आप कही तो सब तो अगे बीबी खालड़ा ही चल रहे हैं तो बाकी हाले सब पिछे ने एक गल होर के जो तुम आप पिछले इलैक्शन की गल कर रहे हो तरन तारण तो उम्मीदवार से उदों तो यह मामला होर भी ताज़ा सी जिहड़ा सिख कतलेआम का मामला अणपछातियां लाशां झूठे पुलिस मुकाबले जथेदार खालड़ा का कतल वो सारिया चीज़ा उदों वोट 37,000 रुपये इस वक्त लगता कि जितने नेड़े पहुँच जाएंगे वेव तो है सोशल मीडिया पर भी है पर कुछ धिर होर भी नाल जुड़िया हूँ आम आदमी पार्टी का तो यह भी कहते कि जे आजाद उम्मीदवार होंगे तो शायद असं भी इन्हों का साथ सहयोग दे देंगे पर यह भी नाल सवाल कर लिया जाए कि जे अज तो सुखपाल खहरा होर ने इन्हों मैदान उतारता पहले किसी पार्टी ने क्यों ना दिसे यही एक बड़ा सवाल है असल से यही एक बड़ा सवाल जे आप देखिए पिछले जो आप झात मारांगे तो जो 92 तो लैके 97 तक का समा सी वह पहला बैंत सिंह की सरकार से बाद बैंत सिंह उन्होंने कतल हो गया तो उस तो बाद बीबी पत्थल हरचरण सिंह वो दो मुख्यमंत्री पिछों की आए उस समय मतलब है पुलिस ज्यादतियां का दौर सी क्योंकि अतवाद लगभग नबेड़ा हो चुका से ते पर पुलिस ज्यादतियां रुकण का नाम नहीं सी ले रही तो उदों बादल साहब भी अपने आप को बड़े लंबरदार कहाउंदे सी इस गल दे भी पंजाब के नौजवानों के उत्ते ज्यादतियां हो रही ने तो जथेदार टौड़ा उदों भी उच्ची हेक नाल बोलते सी पर जदों वह दोनों अलग हो गए तो 97 दे विच बादल साहब की सरकार आ गई गद्दी ते बैठण तो बादल साहब वह सारा कुछ भुल गए बल्कि उन्होंने उही दागी पुलिस अफसर जिहड़े किसी वेले जिन्हां दे नाल जिन्हां दे खिलाफ वो रोज़ बयानबाजी करते उन्होंने ही मुड़ के अजहार आलम वर्गे वो जिहड़े सी उन्होंने उन्होंने कमांड फिर पंजाब की देती तो इस गल नूं मुख रख के टौड़ा साहब ने असल च दा खेडिया सी जो मैनूं लगता उन्होंने ये दा खेडिया सी भी क्योंकि लोगों के इन्ना यह प्रचारित सी जां लोगों के चर्चा बहुत ज़्यादा से उन्होंने भावें सोशल मीडिया नहीं सी पर उदो लोगों के मन च गुस्सा जरूर सी पर क्योंकि सवा साल लंघ चुकया सी सरकार बनी जी अकाली दल की सवा साल भी की पौने दो साल लंघ चुके थे तो उदो जो पार्लीमेंट की चोण आई तो ऐ समझ लो भी फिर ये मामला भुल भुला गया लोग फिर उही पंथक तो फिर वो कांग्रेस जिहड़ी मुख उदों धिरां की लड़ाई हुई उहदे च 3 लाख तो उत्ते वोट पई तरलोचन सिंह तोड़ोर तो 2.25 लाख वोट पई जिहड़ी वो कांग्रेस के उम्मीदवार गुरिंदर प्रताप सिंह कर फिर इतने हम कह सकते हैं कि जो अज असी इस हल्के देखते हैं जिंदा नाम हूँ खडूर साहब है तो इस हल्के फिर टक्कर है जी वो कांग्रेस वर्स बीबी खालड़ा रहेगी हाले तो यही दिखाई दे रही क्योंकि वो सत्ताधारी धर उन्होंने हर हरबा वरतना वा तो उन्होंने जिहड़ियां मौजूदा पंचायतां ने जां होर ने उन्हां राहीं जां कड़ब चौधरियां राहीं उन्होंने दखलअंदाजी करनी है फिर उन्होंने पुलिस तंत्र भी प्रशासन नूं भी वरतना सो इस करके डिंपा जे लड़ाई च ना भी होगा तो उन्हों सरकार लड़ाई च लै आऊगी पर जे आपां कहीए भी बीबी खालड़ा हाल दी घड़ी लड़ाई च नहीं बल्कि लड़ाई च हाले अगे भी दिखाई दे रहे हैं जी बहुत मेहरबानी गल साहब पंजाबी न्यूज़ ऑनलाइन के वास्ते साझे विचार साझे कर सो ये सीगे जी संतोख सिंह गिल होरां दे नाल कुछ विचार कुछ सर्वेखण दीआं गल्लां क्योंकि अनैलिसिस कई मुद्दिआं दे उत्ते लोड़ पैणी है और असीं वख-वख थावां तों कोशिश करांगे कि कुछ सीटां दे बारे कुछ सियासी माहर है जिहड़े उन्हां नाल गल्लबात कीती जावे
ਕੋਈ